देख पूरा एकदम। पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते। कुछ मतलब गड़बड़ तो होना ही होता है, अदरवाइज कैसे इतनी मतलब शांति की जिंदगी जाएगी, है ना। मैंने पूरा वीडियो और मैं बनाया मंजुलिका नहीं हूँ, सिर्फ मेरे काजल नीचे तक फैल गए हैं। जितना इनकम करती हूँ उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। पैसों की बात तो अलग है, पैसों की बात मैं नहीं करती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। और स्वागत करती है आप लोगों की शिल्पा मैडी। हो चुका है सुबह और अभी मैं काम कर रही थी और तभी मैं आप लोगों को दिखाने आई हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। लुक लुक, मेरे जीजू ने बनाया है मसाला कॉर्न, एक्चुअली स्वीट कॉर्न नहीं, मसाला कॉर्न क्योंकि मसाला है। अभी हम लोग ये खाते हैं और सुबह की शुरुआत करते हैं। हमने तो कर लिया है, व्लॉग का शुरुआत करते हैं एक्चुअली। और आप लोग बने रहिए आज के व्लॉग पे, क्या क्या होगा, कैसे क्या क्या करूँगी, पूरा दिन कैसे जाएगा, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बने रहिए आज के व्लॉग पे। दोपहर हो रहे हैं और आज भी सेम कल की तरह गाना बज रहा है। ये दुनिया वाले मुझे व्लॉग करने नहीं देंगे आई थिंक, क्योंकि कल को भी मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। आज भी मैं बैठी हूँ और मैं बात नहीं कर पाती बिकॉज़ आज भी गाना बज रहा है और आप लोग शायद सुन रहे होंगे, तभी मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ। फिलहाल तो मेरा काम हो चुका है, लेकिन मैं नहा ही नहीं हूँ। अभी मैं नहाने जाऊँगी तो क्या, नहाने जाऊँगी तो नहाऊँगी। तो उसके बाद आज एक्चुअली मैं मॉर्निंग ट्यूशन नहीं गई, आप लोग को बताया नहीं शायद, मॉर्निंग ट्यूशन था। बट कल जो हालत की ठंडी थी उस वजह से मतलब मुझे लगा कि इतनी अर्ली मॉर्निंग जाना थोड़ा सा टफ हो रहा था मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इवनिंग को कर दूँगी। और उन लोगों को भी मैंने पूछा अगर कंफर्टेबल होंगे तो, फिर उन लोगों ने भी बोला हाँ हाँ, इतना सुबह आने से तबीयत वगैरह ख़राब हो सकता है, तो फिर बोला ठीक है तुम इवनिंग आ जाना। तो इवनिंग को रखा है मैंने, तो ट्यूशन जाऊंगी इवनिंग को। अभी मम्मी बना रही है खाना, दी अपना दी बेटू को नहला रहा है, जीजू भी वहीं पे व्यस्त है और मैं आके बाहर 2 मिनट के लिए बैठी हूँ क्योंकि ऐसे ही। और यहाँ पे ना मेरा इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं करता, एकदम काम नहीं करता। आप लोग सोच सकते हो कि आज के दिन पे भी मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती, और यही रीज़न है कि मैं किसी भी जगह पे मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाती। कैसे भी करके मैं सिर्फ व्लॉग अपलोड कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम में हफ्तों के बीच में एक दिन खोलती हूँ, और फेसबुक पे सिर्फ व्लॉग में ऐसे लगा देती हूँ, फिर जब नेटवर्क मिलेगा चला जाएगा। मैं फ़ोन चला नहीं पाती क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इशू है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता मेरे फ़ोन पे भी, मेरी मम्मी के फ़ोन पे भी। सिर्फ मतलब एक फ़ोन पे नेटवर्क मिलता है, उधर से ही हॉटस्पॉट लेके चलना पड़ता है। एंड आई डोंट लाइक कि मैं बार बार हॉटस्पॉट लेती रहूँ, तो यही सारे मसले हैं इधर पे। फिर भी ज़िंदगी है, चलना है एंड वही सब है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग को बतानी है, बट नाउ मैं नहीं बता रही, मैं बताऊंगी 2-3 दिन में आप लोगों को बता दूंगी। बताना तो है, अभी नहीं बता रही क्योंकि आजकल कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर। दोपहर के बज रहे हैं कितने, आया इतना सेकी शेकी, सो दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं खाना वाना खा के आई हूँ। एक्चुअली आप लोगों से क्यों नहीं मिली आप लोग जानना ज़रूर चाहोगे, लेकिन क्यों नहीं मिली मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं नहा के आई, नहाते यहाँ पे होने से ना यहाँ पे बहुत सारे काम है एंड बच्चा है, ये करो वो करो वो करो वो करो, और ज़्यादा लोग है एक्चुअली, काम से ज़्यादा लोग है तो बातों बातों में वक्त नहीं मिलता एक्चुअली। ये मैंने भी नोटिस किया है कि इतना बातों बातों में टाइम वेस्ट होता है तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। तो वही हुआ मेरे साथ भी, मैं नहाई, फिर मैं नहा के आई तो फिर मैंने सोचा मैं वीडियो करूँगी। फिर मैं हेयर कॉम करने गई तो बेतू ने खाना नहीं खाया और वॉमिटिंग कर दिया, फिर वो सब हम लोगों को साफ़ करना पड़ा।
वो जल्दी जल्दी में वो सब करते करते फिर उसने पूरा कपड़े गंदे कर दिए, कपड़े धोना पड़ा। मतलब लिंक अप देख रहे हो कि कहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, तो इस वजह से भक्ति नहीं मिलता इधर। फिर भी मैं खाना वाना खा के अभी फ्री हूँ। और एक्चुअली मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा ट्यूशन है और मैं ट्यूशन जाऊँगी इवनिंग को, ट्यूशन है लेकिन दो ट्यूशन था, उनमें से एक कैंसिल हो चुका है, मतलब बुखार है स्टूडेंट को, तो उस वजह से नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ कि मेरे साथ कि मतलब मैं यहाँ से इतना मेहनत करके पैसा खर्च करके जाऊँगी सिर्फ एक ट्यूशन के लिए, हालांकि उस पे मैं जितना इनकम करती हूँ उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। पैसों की बात तो अलग है, पैसों की बात मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेहनत मेहनत ऐसा होता है कि आप एक ट्यूशन के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, हालांकि वो दो ट्यूशन होता मतलब एक एक बार की मेहनत में दो ट्यूशन हो जाता, बट अभी आज भी मेहनत करो कल भी मेहनत करो, मतलब हर ट्यूशन के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेहनत करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा है कि एक बार घर से निकल गए तो 10 ट्यूशन करके निकल आओ, मतलब अभी एक बार जाओ ये करके आओ और फिर बाद में जाओ दूसरा करके आओ। आई डोंट लाइक दिस, बस यही ज़िंदगी है, कर रही हूँ, तो वही हुआ मेरे साथ। तो मेरा ट्यूशन है 4 बजे से, मैं उनको बोल सकती हूँ कि 5 बजे जाओ, क्योंकि अभी मेरा भी कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं, तो मैं जा सकती हूँ 5 बजे, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार टाइम बोल दिया तो 4 बजे ही चली जाऊँगी, तो अभी रेस्ट करने को भी नहीं मिलेगा और फिर मेरा एडिट भी नहीं हुआ है, पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हेयर कॉम्ब करने गई थी, बोला था ना आधा कॉम्ब हुआ आधा नहीं, फिर ऐसे ही मैंने तय कर लिया, इस तरफ का कॉम्ब नहीं हुआ, इस तरफ का कॉम्ब हुआ है, ऐसी ही मैं, ज़िंदगी ऐसी है। सो बने रहिए, देखते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। हेलो, गुड इवनिंग, अभी हो रहा है 4:30 ही होने वाले हैं, 4 बजे ही आना था, आते आते लेट हो गया, तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन करने। एक ट्यूशन के लिए आने का एक्चुअली मुझे दिल नहीं कर रहा था, बट मतलब एक ही हो या 10 हो, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो इस वजह से आ गई। एंड फुल सन दिखती है मेरे घर से, दिखाया बोला था ना उस दिन, पूरा मेरे सामने वो फुल सन दिख रहा है, पता है, एंड अच्छा लग रहा है। आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फ़ोन पे इतने अच्छे से कैप्चर नहीं होता जितना रियल आँखों से दिखता है। और धीरे धीरे ठंडी भी आ रही है, बट इन दिनों जितनी ठंडी मतलब जिस हद की ठंडी आज उतना नहीं है, आज पूरा दिन पे तो बहुत ज़्यादा वो धूप दिया था, अभी धीरे धीरे करके धूप गायब हो रहा है, बट फिर भी ठंड इतना नहीं है इन दिनों के हिसाब से। मैं हाफ रही हूँ, चलो मैं ट्यूशन करती हूँ और देन आप लोगों से मिलती हूँ। आज का वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुआ है गाइस। हेलो गाइस, मैं 1 घंटा पहले ही आ चुकी हूँ, बट मैंने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया, इसके लिए नहीं किया क्योंकि अभी तक मेरा आज का वीडियो एडिट नहीं हुआ था और थंबनेल भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि कपड़े चेंज करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मैं अपने वीडियो एडिट कर लूँ, और मैंने कर लिया है और अभी वो प्रोसेस में ही है, लेकिन अपलोड आई डोंट नो कि टाइम पे हो पाएगा कि नहीं, फिर भी मैं अपलोड पे भी लगाऊंगी, देखते हैं क्या होगा, अभी तक प्रोसेस ही हो रहा है, उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा, तो वही और प्रोसेस होते होते मैं चाय पी लेती हूँ अपना चाय, और मेरे जीजू क्या परफेक्ट रेडी हुए हैं, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को जीजू। ओ जीजू एक बार दिखाओ तो ज़रा, जीजू जीजू उस पे जाने वाले हैं, कहाँ पे की बोलेगा अरिंदा, पूजा से ना, हाँ पूजा पे जाने वाले हैं, एकदम परफेक्ट वर्ड मुझे भी नहीं, मुझे पता है मैं भूल गई, और मेरे जीजू क्या एकदम लग रहे हैं, देख पूरा एकदम पंडित जी, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते
जो अच्छे दिख रहे हैं ना, पूरा ऐसा लग रहा है कोई दूर से देखेगा तो डर जाएगा। पहले तो मैं डरती थी ऐसे बड़े बड़े पंडितों को देख के, अब नहीं डरती। गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मैंने सोचा था नहीं करूँगी, लेकिन मेरे साथ लोचा नहीं परम लोचा हो गया, परम लोचा। मैंने बोला ना कि मेरा कुछ मतलब गड़बड़ तो होना ही होता है, अदरवाइज कैसे इतनी मतलब शांति की ज़िंदगी जाएगी, है ना। मैंने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो को प्रोसेस किया, उसके बाद और एक प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें फ़ोन पूरा आग जैसा गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने देना पड़ता है। वो सब छोड़ो, ये सब पूरा करने के बाद जब मैं अपलोड करने जाती हूँ तो मेरे वीडियो पे मैंने व्लॉग बनाया है कुछ, और उस पर कुछ अलग साउंड जाके मतलब आ गया। और मैं ऐसे अपलोड करते वक्त कभी भी नहीं देखती कि क्या हुआ है, लेकिन आज पता नहीं अचानक से मैंने सुनी तो हाय ये तो मेरा वीडियो ही नहीं है, वीडियो चल रहा है कुछ मतलब साउंड कुछ, और पूरा एक घोटाला हो गया और 7:30 हो गया, मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ। अभी मैंने फिर से प्रोसेस किया और फिर से प्रोसेस अभी हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती फ़ोन पे, तो यही सब मेरे साथ चल रहा है। पता नहीं 9 बजे तक भी मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी भी नहीं। तो मैंने सोचा इतना मेहनत कर ही रही तो ड्रेस भी चेंज कर लेती हूँ, तो ड्रेस चेंज कर लिया, मुँह हाथ धोती हूँ, और पता नहीं वीडियो होगा तो अपलोड करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। गुस्सा ही आ जाता है कभी कभी अपने फ़ोन। हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 10:41 एंड मेरे गाइस ट्रोलिंग आप लोगों के घर पे ट्रोल होता है, यहाँ पे घर पे ट्रोलिंग का शुरुआत होता है, और इसलिए बाहर पे करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे हम लोग का चलता रहता है, ट्रोल कर रहे हैं। तो रात के बज रहे हैं 10:41 और मैं मंजुलिका नहीं हूँ, सिर्फ मेरे काजल नीचे तक फैल गए हैं। और हमारा अभी तक खाना बन गया था गाइस, खाना बन गया था बट अभी तक हम लोग खाए नहीं है, क्योंकि जीजू गाइस है ही नहीं। बोला था ना जीजू पूजा के लिए जा रहे हैं, तो जीजू पूजा के लिए गए हैं, जीजू को आते थे बहुत लेट होता है ऐसे, इवन रात को पूजा में जाते हैं तो अभी 10:41 हो रहा है और अभी तक जीजू आए नहीं, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वेटिंग। तो मैंने सोचा आप लोग को वेट करवा के क्या फ़ायदा, तो ब्लॉग को एंड ही करती हूँ, है ना। कितना ही छोटा ब्लॉग बना रही हूँ, समझ गए ना, इसलिए खाना नहीं दिखाया। आज हमारे पास मीट नहीं है गाइस, आज दाल खाना पड़ेगा। और कल रात को मैं आप लोगों को कुछ कहानियाँ बताती हूँ, पहले तो मेरा वीडियो 7:30 को अपलोड होना था, 8:30 को अपलोड हुआ, वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी। कल रात को क्या हुआ पता है, मेरी मम्मी को मैंने ब्लैंकेट खोलने को बोला, मम्मी ने ब्लैंकेट खोला और हम सो गए पूरी रात। अगर ब्लैंकेट में मैं मुंह तक लेती हूँ तो मेरा पैर मतलब फुट एरिया पूरा निकल जाता है, और अगर पैर में धकती हूँ तो मुंह निकल जाता है। पूरी रात में ये सोचती रही कि ऐसा क्या हुआ कि मैं खीरिन में लंबी हो गई या फिर मतलब कंबल छोटा हो गया, क्या हुआ। पूरी रात ना मैं यही सोचती रह गई, क्योंकि मतलब जैसे ही मैं कंबल ऐसे ऊपर करती हूँ पैर में ठंड लगती है तो मैं मतलब जाग जाती हूँ, यही हो रहा था। मेरा बेटा पूरा अपना ही बोल रहा है। तो पूरी रात ये सोचते सोचते सुबह 5 बजे तक मुझे ये ख्याल आया कि एक्चुअली मम्मी ने ब्लैंकेट ही गलत लिया था। मतलब होता है ना लेंथ में लेना चाहिए, मम्मी ने वाइट में लिया था तो इस वजह से कंबल छूता था। इतना गुस्सा आया ना मुझे सुबह, मतलब मम्मी आप क्या करते हो, तो हमारे घर पे कोई क्या क्या नहीं होता। तो अभी मम्मी खाना निकाली है, खाना खाते हैं। आज खाने में ऐसे दिखाने लायक कुछ नहीं है तो नहीं दिखाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं। आप लोग का आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और आप लोगों के साथ कभी कभी शेयर करती हूँ कभी कभी नहीं करती हूँ, क्या ही बताओ गाइस, क्या ही बताओ। तो
होता रहता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और मिलेंगे कल 7:30 को। मैं फुल ट्राई करूँगी कि 7:30 को ही अपलोड कर दूँ, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। पता नहीं मेरा ये वाला ट्रेडिंग ऐसा क्यों हो जाता है, हालांकि ऐसे रहना चाहिए। सो मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।